welcome everyone. I'm Jatin Verma. So guys, here's the much-awaited prelims 2019 answer key and analysis. तो इसमें हम सेट डी के क्वेश्चंस रेफर करेंगे. तो जल्द से जल्द आपको ये प्रोवाइड करने के लिए आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस इन दिस. इन पार्ट टू आई विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 50. तो इसका आंसर की पाने के लिए जिनको डायरेक्ट आंसर की चाहिए आप मेरे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हो www.jatinverma.org पे. यहाँ पे आपको आंसर की सेट ए बी सी डी सभी सेट्स की आंसर कीज आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी. और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर www.jatinverma.org पे, एक तो चैट बॉक्स है वहां पे, या फिर ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8810389214 पे विजिट कर सकते हो. अगर ये ब्लॉग पे विजिट करना है तो डायरेक्टली आपको jatinverma.org का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर वन जो है प्रीलिम्स 2019 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर वन जो है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. AIIB has more than 80 member nations. Second statement, India is the largest shareholder in Asian Infrastructure Investment Bank. Third statement says, AIIB does not have any members from outside the area. So, which of the statements given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 and 3, C, 1 and 3, D, 1, 2 and 3. So, answer dekhte hain iska. Answer to question number 1 is A, yani ki AIIB has more than 80 member nations. इनकी वेबसाइट से लिया गया ये आंसर. और इंडिया का जो शेयर है 7.6399 है और 97 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं इनके, राइट. ये इनकी वेबसाइट बोलती है, जो हम वेबसाइट से ही आंसर चेक कर रहे हैं मैं और मेरी टीम पांच लोगों की. AIIB is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcomes in Asia. Headquartered at Beijing, they began their operations in January 2016. और ये इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटेड अग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली. ए, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. C, to act as independent regulator in case of applications for loans of 50 crore or more. C, D, jo hai, to aim at faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more which are under consortium lending. So, ye iska answer jo hai D hai, yani ki jo last statement hai wahi correct hai, baki ki sari statements ka koi lena dena inter creditor agreement se nahi hai, galat statements hai ye. So, none of the purposes mentioned in the statement 1, 2 and 3 are the objectives or purposes of inter-creditor agreement. Inter-creditor agreement, a recommendation of Sunil Mehta Committee, aims to deal with bad loans. For bad loans of rupees 50 to 500 crore, banks enter into an inter-creditor agreement authorizing the lead bank. Lead bank jo hai, jisne sabse zyada loan de rakha hai, to implement a resolution plan in 180 days. Now, coming to question number 3, simple, bahut hi simple question tha ye. ये मैंने अपने करंट अफेयर्स राउंडअप कोर्स और ये सब चीजों में सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन को डील किया है. सेकंड क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखा है उसमें. नाउ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय ए, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं बनता है, सिंपल क्वेश्चन है. ये रहा इसका रिकमेंडेशन ऑफ द नेम्स फॉर बींग अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स. तो जैसा मैंने बताया, जिन्हें डायरेक्ट आंसर की चाहिए सेट ए बी सी डी की, मेरे ब्लॉग पे करंट अफेयर्स मैगजीन ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल रहती हैं. और पॉलिटी एंड इकोनॉमी के जो मेरे कोर्सेज हैं, ये सब चीजें मैंने उनमें बहुत अच्छे से डील करी हैं ऑलरेडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन ऑफ द टास्क ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस. अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ दिस बॉडी Petroleum and Natural Gas Regulatory Board against the decisions they go before the appellate tribunals for the electricity. Which of the following statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3, D, 1, 2 and 3. Now, answer is B here, yani ki statement 2 and 3 are correct. Ye do aur teen correct hai isme. Explanation aap dekh sakte ho, statement 1 is incorrect, statement 3, काफी लोगों को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट 3 जो है गलत है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं है. बट अगर आप एक्ट को देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को, तो उसमें ये लिखा है, राइट. तो यूपीएससी ने इस बार मतलब खेल गई यूपीएससी. नाउ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट,
Why? Because this and this is the order. ये सारा कुछ हम वेबसाइट से ले रहे हैं, किसी कोई भी करंट अफेयर्स की वेबसाइट से नहीं, ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं वहां से है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज और आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. नंबर 1, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस्ड 3G. LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी. Select the correct answers using the code given below. A, one only. B, two only. C, both one and two. D, neither one nor two. तो इसका आंसर है D, neither one nor two. और दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि इनका जो ट्रिगर फैक्टर है, जिसे मैं ट्रिगर फैक्टर ये कह रहा हूं यहाँ पे, ट्रिगर फैक्टर क्या है कि जिसके चलते ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा. तो ट्रिगर फैक्टर यानी कि करंट अफेयर्स में ये न्यूज किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी, तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका. और ये हिंदू न्यूज पेपर से ली गई थी. ये जो हाइपर लिंक्स हैं आप इन्हें चेक कर सकते हैं मेरे ब्लॉग, मेरी वेबसाइट पे www.jatinvarma.org. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. और बाकी की चीज़ें भी आपको ब्लॉग से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लग जाएंगी. ऑफिशियल जो हमारी आंसर की है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी यहाँ पे सेट ए बी सी और डी की आपको यहीं पे मिल जाएगी. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगले पार्ट में इसे देखेंगे, क्योंकि इसके आंसर्स कुछ रेडी नहीं है. तो रियल टाइम बेसिस पे प्रोवाइड करने के लिए अगले पार्ट में आई विल बी कमिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 6 to 50. Right, so stay tuned guys, thank you.